Hey guys, I can't wait to see you. Go Northeast United. I can fly. Hello everyone, welcome to yet another video of Khel Tantra. Aaj is video mein we are going to talk about some of the very important news regarding Indian football. Ji haan, kuch exciting transfer news ke saath Indian football team ke kuch bahut hi important news is video mein shamil hai. So without wasting any time guys, let's begin the video. Sabse pehle hum baat karenge North East United FC ke baare mein aur club ne Kerala ke footballer Justin George ko apne team mein shamil kar liya hai. Khel Tantra ke through maine pehle इस न्यूज के बारे में आपको बताया था, लेकिन अब इस न्यूज के बारे में ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुके हैं। ऑफिशियली अब जस्टिन जॉर्ज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के टीम में शामिल हो चुके हैं। पेशे से 23 साल के जस्टिन जॉर्ज एक डिफेंडर है, वो एज ए डिफेंसिव मिडफील्डर और एज ए लेफ्ट बैक भी खेल सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने रिसेंटली एक और प्लेयर का अनाउंसमेंट किया। जी हाँ, खेल तंत्र के थ्रू ही मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही बताया था कि मथियास कोरर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के तरफ से खेलने वाले है और अब ऑफिशियली इस बारे में क्लब ने अनाउंस भी कर दिया है। यहाँ पे मथियास कोरियर के बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, इफ यू हैवन वॉच द वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर चेक कर लीजिएगा। मथियास की अगर आप बात करें तो फॉरवर्ड पोजीशन पे बहुत डेंजरस साबित हो सकते हैं। लेफ्ट विंग और सेंटर फॉरवर्ड के पोजिशन पर वो ज्यादा खेलते हैं। तो गाइज, मथियास के ऊपर आने वाले सीजन में कई निगाहें रहेंगे। ईस्ट बंगाल के तरफ से यहाँ पर कुछ जबरदस्त न्यूज निकल के आ रहे है। जी हाँ, क्लब ने बहुत कम समय के अंदर ही कुछ जबरदस्त प्लेयर को साइन किया है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फॉरेन साइनिंग ऑफ ईस्ट बंगाल और यहां पे सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट डच फुटबॉलर डारेन सिडोवेल। 23 साल के डारेन सिडोवेल एज ए डिफेंडर खेलते हैं। जी हां, सेंटर बैक और डिफेंसिव मिडफील्डर के रोल वो प्ले कर सकते हैं। रीडिंग, कोर्डोबा सीएफ जैसे क्लबों को क्लब लेवल पर उन्होंने रिप्रेजेंट किया था और यही नहीं, डारेन सिडोवेल नेदरलैंड के नेशनल टीम को अंडर 15, अंडर 16 और अंडर 17 लेवल पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं। So guys, you can say he is an exciting signing. इस बार ईस्ट बंगाल क्वालिटी प्लेयर्स को साइन कर रहे हैं और क्रोएशियन फुटबॉलर फ्रेंजो प्रिस उसी का एक परफेक्ट एग्जांपल है। फ्रेंजो प्रिस एक प्रॉपर सेंटर बैक प्लेयर है, सीरिया में लाजियो के तरफ से फुटबॉल खेल चुके हैं। क्रोएशिया के नेशनल टीम को सब जूनियर और जूनियर लेवल पर उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। 25 साल के फ्रेंजो प्रिस टीम को डिफेंसिव स्टेबिलिटी प्रदान करेंगे। 29 साल के स्लोवेनियन फुटबॉलर आमिर देरविचे बीच भी अपकमिंग सीजन में ईस्ट बंगाल को रिप्रेजेंट करेंगे। आमिर देरविचे बीच एक क्वालिटी मिडफील्डर है, स्लोवेनिया के लिए 6 बार सीनियर इंटरनेशनल फुटबॉल खेल चुके हैं। तो गाइस, आप कह सकते हैं ही इज वन ऑफ द हाई प्रोफाइल डिफेंडर ऑफ अपकमिंग सीजन। स्लोवेनिया के फुटबॉल क्लब मारीबोर के साथ उन्होंने 100 से भी ज्यादा मैचेस खेले थे, सो एक्सपीरियंस भी आमिर देरविचे बीच में है। गाइस, आने वाले सीजन में आमिर के ऊपर कई निगाहें रहेंगे। नाइजेरियन फुटबॉलर डेनियल कीमा, जिन्होंने चाइना में गोलों की बारिश किया था, वो भी अपकमिंग सीजन में ईस्ट बंगाल को रिप्रेजेंट करेंगे। डेनियल कीमा ने अपने कैरियर में मोल्डे, लेजिया वार्सो जैसे क्लबों के तरफ से फुटबॉल खेल चुके हैं। अपने कैरियर में 30 साल के डेनियल ने 70 से भी ज्यादा गोल डाल चुके हैं। तो गाइस, आप कह सकते हैं इनसाइड द बॉक्स डेनियल कीमा ओपोजिशन के लिए मुश्किलें खड़ा कर सकते हैं। गाइस, मार्क माय वर्ड, डेनियल कीमा इज गोइंग टू बी वन ऑफ द स्टैंडआउट परफॉर्मर इन द अपकमिंग सीजन। ट्रांसफर के मामले में मुंबई सिटी एफसी भी ज्यादा पीछे नहीं है। जी हाँ, ब्राजीलियन फॉरवर्ड वाइगर कताताओ को टीम ने रिसेंटली साइन किया है। 24 साल के कताताओ ने ज्यादातर ब्राजील में ही फुटबॉल खेले हैं, तो टीम में कताताओ वो ब्राजीलियन सांबा अंदाज लाएंगे। कताताओ ब्राजीलियन लीगों में सफल रह चुके हैं और अब उनके सामने इंडियन सुपर लीग का इम्तिहान है। तो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट आवर इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम और भारत के फुटबॉल टीम अब बेंगलुरु में एकजुट होकर सेप्टेम्बर 27 को मालदीव्स जाएंगे। जी हाँ, मालदीव्स में होंगे साफ चैंपियनशिप, जहां पर भारतीय टीम पार्टिसिपेट करेंगे और दोस्तों, इंडियन टीम का अनाउंसमेंट भी बहुत जल्द होने वाले हैं और अब आने वाले दिनों में इंडियन टीम के ऊपर कई निगाहें रहेंगे। अगर आप यहां पे भारत के अंडर 23 टीम के बारे में बात करें तो इंडिया के अंडर 23 टीम के कैंप आफ्टर साफ कप आयोजित होंगे। 18 अक्टूबर से इंडियन अंडर 23 कैंप शुरू हो सकते हैं। याद रखिएगा, भारत के अंडर 23 टीम एफसी एशियन कप अंडर 23 चैंपियनशिप के क्वालिफायर्स में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो क्या अक्टूबर में होने वाला इस टूर्नामेंट के लिए आफ्टर साफ कप प्रिपरेशन करना सही रहेगा या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। इसी के साथ गाइस, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया, डू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड यट। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। अंटिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अलविदा।